वेज स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब इस वेज का मास कैपिटल एम है और यहाँ एक छोटा स्मॉल एम है। सिस्टम को ऐसे रिलीज करता हूँ तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ आ जाएगा, तो वेज इधर की साइड में डिस्प्लेस होगा। तो अगर वेज इधर की साइड में डिस्प्लेस होगा तो वो कितना डिस्प्लेस होगा वो हम लोग को निकालना है। सम टाइम बाद जो वेज है वो कुछ इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है जब ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, जब स्मॉल एम यहाँ आ जाएगा तो जो वेज है वो इधर की डायरेक्शन में डिस्प्लेज की सीनरियो कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो हमें निकाल, क्या एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा? नहीं, एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो पहला वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे इफेक्टिव है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको मान लो फिक्स कर दो, इसको मान लो फिक्स कर दो, रफ सरफेस पे रख दो। तो पहला वाला जो है वो कितना डिस्प्लेस हुआ, और ये कैपिटल एल है, बेस इसका लेंथ एल है। तो पहला वाला जो ब्लॉक है वो यहाँ से उठ के इधर आ गया, तो माइनस एम एल और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो निगेटिव में डिस्प्लेस हुआ, सेंटर ऑफ मास निगेटिव में डिस्प्लेस होता, समझ रहे ना, ये हो नहीं रहा है, होता। अगर रफ सरफेस पे होता, ये फिक्स रहता तो ये यहाँ आता तो ऐसा होता, ठीक है ना, पर हुआ नहीं। हुआ क्या, ठीक है, वेज इधर, तो सेंटर ऑफ मास इधर, तो वेज इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है प्लस एम एल अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। तो वेज का डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा इसी मेथड का यूज करके। तो आप अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।